मरूफ टिक टॉक गर्ल हरीम शाह की जद में एक और शख्सियत आ गई। इस मरतबा उनका शिकार कोई सियासतदार नहीं बना बल्कि मरूफ इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल कवी बने हैं, जिनकी आज टिक टॉक गर्ल हरीम शाह के साथ एक सेल्फी या तस्वीर मंजर आम पर आई है। तफसीलात के मुताबिक हरीम शाह की इस्लामाबाद में मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ मुलाकात हुई, जिसमें हरीम शाह ने मुफ्ती अब्दुल कवी से उनके साथ सेल्फी की इजाज़त मांगी, जिस पर उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया। हरीम शाह की ये ताज़ा तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। इस तस्वीर में टिकटॉक गर्ल मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ मौजूद हैं, जिस पर मुफ्ती अब्दुल कवी को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कोई उन्हें इस्लाम के नाम पर धब्बा करार दे रहा है तो कोई उन्हें नाम निहाद मुफ्ती और आलिम कह रहा है। मुफ्ती अब्दुल कवी का इस बारे में मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद में उनकी हरीम शाह से मुलाकात हुई, जिसमें उसने सेल्फ़ी की इजाज़त मांगी, सो उन्होंने दे दी। इसके अलावा उनका हरीम शाह से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले मारूफ टिकटॉक गर्ल हरीम शाह की वफाकी और सूबाई वज़रा के साथ वीडियो और ऑडियो सामने आई थी, जिस पर उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स मिली। इसके बाद वो अपनी दोस्त संदल खट्टक के साथ आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाको चली गई। पिछले दिनों ये दोनों लड़कियां दुबई आईं, जहां से उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाने की बिना पर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। ताहम हरीम शाह ने इन खबरों की अपने ट्विटर अकाउंट से तरदीद की और कहा कि वो मामूल के मुताबिक पाकिस्तान पहुंची हैं, ना ही उन्हें डिपोर्ट किया गया और ना उन्होंने दुबई में जेल काटी। याद रहे कि मुफ्ती अब्दुल कवी सोशल मीडिया पर अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से मौजूए बहस रहते हैं। 2016 में भी उनकी कंदील बलोच के साथ सेल्फी मंजर आम पर आई थी, जिसमें कंदील बलोच ने मुफ्ती अब्दुल कवी की टोपी पहनी हुई थी। इस पर मुफ्ती अब्दुल कवी को खासी तनकीद का सामना करना पड़ा था। बाद में कंदील बलोच के भाई ने गैरत के नाम पर अपनी बहन कंदील बलोच की जान ले ली थी, जिसका मुकदमा मुफ्ती अब्दुल कवी पर भी चला था। अब मुफ्ती अब्दुल कवी की हरीम शाह के साथ तस्वीर मंजर आम पर आई है, जिसके बारे में फ़कत इतना कहा जा सकता है कि अल्लाह खैर करे। नाज़रीन गरामी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।